बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे गुजरी आप लोगों की ईद? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी जी। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी हाउ टू मेक टेबल कार्ड एंड ऑफ कोर्स वेलकम टू माय आर्ट क्लास। वेरी सिंपल, आप लोगों ने क्या करना है, एक आप हार्ड गत्ता ले लें, आपके हर किसी के घर में ही होता है। उसको आप काट लें एनी शेप, यू कैन गिव रेक्टेंगल, हार्ट शेप, एनी शेप कोई भी आप राउंड दे लें, जो आपको पसंद हो आप वो दे लें। फिर सिंपली आप उसके साइडों पर डबल साइडेड टेप लगा लें, और ये जो आपको रंग बिरंगा चूरा सा नज़र आ रहा है, ये आपको बाज़ार से भी मिल जाता है, यू कैन बाय एंड यू कैन मेक एट होम एज़ वेल, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, वेरी ईजी। घर में अगर आप लोगों के पास कोई गिफ्ट रैपर पड़ा जी बेटा, ओके बेटा, आप लोगों के पास कोई गिफ्ट रैप पड़े हैं रंग बिरंगे, ये चमकीली कोई पड़ी है, ये चमकीली पहले तो वो जो लाड़े बनते थे दुल्हों को, वो जो गले में सरबाले के क्या कहते हैं, वो जो हार डला होता था, उसकी साइडों पे भी ये लगी होती थी, वो भी आप काट सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में पड़ी हुई है वो हार, वो आपके पास पड़े हुए हैं, तो अगर वो नहीं पड़े हुए तो ये आप बाय भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आप बाय कर सकते हैं, इट्स नॉट गॉन फॉर, ये आप बाय भी कर सकते हैं, लुक इजीली आपको मिल जाएगा। मैं जब कॉलेज में थी तो ये तब की मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ इनको यूटिलाइज़ कर लूँ। इस तरह से आपने ये देखे, मैंने इसको एक साइड मैंने ज़्यादा रखी है और एक साइड मैंने कम रखी है, इसको मैं वो थोड़ी फ्रेम की शक्ल दे रही हूँ। आपने बस उसके ऊपर जो है वो लगा देनी है, ये जो मैं चमकी से यूज़ कर रही हूँ, यू कैन गिव एनी नेम टू दिस चमकी, मैं चमकी कह रही हूँ, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं। अच्छा जी, इसका एग्जैक्ट नाम मेरे नहीं आ रहा मुझे। फिर जी एक साइड पे आप बड़ा खूबसूरत सा लिख रहे हैं, जैसे कार्डों पे लिखा होता है सालगिरह मुबारक। मेरी तो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप अच्छी सी राइटिंग में लिख लें किसी भी कलर के साथ। इसको पहले मैं जस्ट ड्रॉ कर रही हूँ, फिर मैं इसको बाद में डेकोरेट करूँगी। जो आपको दूसरी साइड नज़र आ रही है उस पर आप पिक्चर लगा लें, मैं ये डबल पिक्चर थी तो मैं उसको फोल्ड करके लगा रही हूँ, आप सिंगल लगा लें, वैसे तो इस तरह से पिक्चर ख़राब हो जाती है, लेकिन मुझे ये अच्छी लगी थी इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। उसको चिपकाने के लिए भी मैं डबल साइडेड टेप यूज़ कर रही हूँ, और उसके ऊपर मैं वही चमकी लगा रही हूँ ताकि वो थोड़ा खूबसूरत और शाइनी लगे, और एक ही चीज़ यूज़ हो। आपने देखा होगा मैंने इसमें सिर्फ दो तीन चीज़ें यूज़ की हैं जो आपको इजीली घर से मिल सकती हैं, और बड़ा ये सिंपल सा है। ये थोड़ी लंबी वीडियो थी लेकिन मैं उसे थोड़ा शॉर्ट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा जी, ये अब मेरे पास पड़ी हुई थी, ये नग से बने हुए हैं स्टोन टाइप और रंग बिरंगे, उसको मैंने वो उसी चमकी के साथ जो है मैंने उसको मैच किया है, और सिंपली जो है मैं उसके ऊपर उसे चिपका रही हूँ, जो जैसे मैंने नीचे मैंने नाम लिखा है जिसकी बर्थडे है, और ये जी मेरे हस्बैंड का नाम है निसार, और उनके नाम को जो है अब मैं मज़ीद खूबसूरत करने के लिए जो है उसके ऊपर मैं नक्शो निगार कर रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ इवन बटन, जो हमारे बटन होते हैं एक्स्ट्रा कपड़ों के पड़े होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, उनके नीचे आप डबल साइडेड टेप लगा के यूज़। डबल साइड टेप जो है ना वो कमाल की चीज़ है, यकीन करें पाकिस्तान में थी तो मुझे डबल साइड टेप का नहीं पता था, मुझे यहाँ के इसका पता चला है कि ये तो मैजिक है, आई मीन के आप कुछ भी चिपका सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या शायद मेरा इस तरफ इतना रुझान नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता था। एनीवेज जी, ये देखे बड़े सिंपल से अंदाज में हमने ये बना लिया है, कोई इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कितना सिंपली बन रहा है, और जब ये बनेगा यकीन करें इट्स लुक्स रियली ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थोड़ी सी बस आपको थोड़ी सी अपनी अकल यूज़ करनी है, थोड़ा सा क्रिएटिव होके आप जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। ये है कि आपके पास टाइम होना चाहिए, इन चीज़ों पे टाइम ठीक ठाक लगता है। मेरी बेटी सो रही थी तो ये मैंने बनाया है, लेकिन अब इस वक्त वो जागी हुई है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप बच्चे आपके सो रहे हो तो आप आसानी से जो है वो ये ऐसे काम कर सकते हैं, वरना अदरवाइज इट्स रियली हार्ड विद किड्स। तो अच्छा, अब मेरे पास एक ना वो लिक्विड सी पड़ी हुई थी ग्लिटर टाइप जेल ना, उसको मैंने नीचे लगाया और उसके ऊपर मेरे पास ना ग्लिटर पड़ा हुआ था सिल्वर कलर का,
अच्छा ये जो ग्लिटर है ना, ये मैं ये मेरा मेकअप वाला ग्लिटर है, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा है, इसको मैं अक्सर कुछ शाइनी टच देने के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसको मैं इन चीज़ों में भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। तो आप भी जो है वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए, फिर मैंने उसके ऊपर वो ग्लिटर फेंक दिया तो वो उसके साथ चिपक गया, क्योंकि वो लिक्विड जो मेरे पास ग्लिटर है उसमें वो एक जेल जेल टाइप भी चीज़ है जो इजीली चीज़ों को ना चिपका देती है। मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। आप घर में कितने बना सकते हैं, कुछ भी प्यारी प्यारी चीज़ें। वैसे तो बाजार से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो चीज़ खुद बनाने का मज़ा है उसकी तो फिर क्या ही बात है। ये देखिए जी, ये बन गया माशाल्लाह, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। ओके जी, मुझे इजाज़त दे, खुद।